विधानसभा हलका तरन तारण विखे चेतन चौहान सैकटरी इंचार्ज पंजाब अते यादवपति ठाकुर डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर ए आई सी सी पहुंचे। उन्होंने इस मौके विशाल इकट्ठ नूं संबोधन किया अते पंजाब सरकार वल्लों करवाए जा रहे विकास कार्यां बारे दस्या। उन्होंने कहा कि असीं हलके च आ के लोगों नाल गलबात की जिन्हां हलका विधायक डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री जी वल्लों करवाए जा रहे विकास कामां दी शलाघा कीती। उन्होंने यह भी कहा कि साढ़े वालों हल्के की रिपोर्ट हाईकमान को भेजी जा रही है ते हाईकमान टिकटों का फैसला लेंदी है। सानू अग्निहोत्री साहब के कम्मा ते माण महसूस होया। इस मौके हल्के के बहुत बड़ा सरपंचा वालों विधायक के कम्मा की शलाघा की गई। उन्हें कहा कि इस माझे के इलाके अग्निहोत्री साहब की बदौलत 44 साल बाद कांग्रेस कामयाब हुई और भविष्य में भी इन्होंने टिकट दी जाए और हर आदमी चाहता है कि डॉक्टर गंडी अकादमी आवे इतने सानू वोट देना नहीं चाहिए बदमाश नहीं चाहिए जिन्हें हमने घर घर जाके एमसीए ने जेड़े छड़ते जेड़े एमसी चोर थी बदमाश थी जिन्होंने लोगों ने कानून चेहरे 3 लाख रुपये लोगों थाने चौदह लिया वा मैं जाके खुद थाने रोज जाना वा मैं जाकर उन्होंने बंदा पूछा कि किन्ना पैसा देकर चुता दे उन्होंने कहना भी इन्ना पैसा है साढ़े को एम एल ए दे बंदे लै गए एमसी हूँ एमसीए छा छड़ता पे तो हूँ दूसरा फिर ना लै गए तो घर घर चलता पे उन्होंने खडूर साहब ने नहीं सौंपया उन्हें बड़े तरन तरन ठगिया वर्ग बदमाशी करके आया वा तो तरन तरन के बकायदा फिर टिकट दी दोबारा उन्होंने इस करके मेरे दोस्तों जो तरन तरन खुशहाल रखना है जिंदा रखना है वो बकायदा तरन तरन अपने अपने साथ में वोट पा गए तो कामयाब करना दे मैं इनिया बेनती बेनती करना कि तुम यह एम एल ए दोबारा नहीं मिलना दे इन खोड़ा दे नमस्कार सिद्धू जेडे लोग टिकट कह रहे सानू कांग्रेस की मिल गई मेरा ख्याल है कि वो तुहानू टिकट जिहड़ी आ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਿਰਾਇਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਮਾਨ ਕਰਿਓ ਤੇ ਫਤਿਹ ਜੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਡਾਕਟਰ ਅਗਨੀ ਹੋਤਰੀ ਜੀ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦੇਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਏ ਆਈ ਸੀ ਸੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੇਤਨ ਚੌਹਾਨ ਜੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ इन्होंने नाल साडे डिस्ट्रिक्ट कोआर्डीनेटर जदोपति ठाकर जी ते तरन तरन हल्के दे कोआर्डीनेटर दौरा भाई पटेल जी और साडे तरन तरन हल्के तो वक्ख वक्ख शख्सियतां चेयरमैन सरदार लखबीर सिंह जी मुरजी चेयरमैन रणजीत सिंह राणा जी चेयरमैन पजविंदर सिंह जी मार्केट कमेटी चबाल रमन कुमार जी साडे ब्लाक प्रधान संदीप दोदे जी ब्लाक प्रधान गुरपाल सिंह जी डगपुरा तो पता ही है कि शायद पहली दफा है कि कांग्रेस की हाईकमान जी एक छोटे लैवल से जाके घरों घर जाके फीडबैक ले रही है कि किनू टिकट देनी है किनू नहीं देनी ये भाव तुम सब नहीं पता वा मैं अपने बारे कुछ नहीं कहना चाहता अपनी सरकार बारे जरूर कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार के भी अदलाबदली हुई है और उदों तो जो रेवोल्यूशन आया जो चरणजीत सिंह चन्नी साडे मुख्यमंत्री बने ने और नवजोत सिद्धू जी जिहड़े ने साडे पंजाब दे प्रधान बने ने उदों तो जो रेवोल्यूशन आया वो तुहाडे सामने है। तुसीं बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी का एम एल ए बना के ते कांग्रेस पार्टी की सरकार तुसीं बनाई सी तुहानूं बहुत सारियां उम्मीदां सन कि असीं इह करांगे अपने पिंडां दे लई अपने हल्के दे लई और मैंने भी पहली दफा मैं एम एल ए बनया मैंने भी बड़ा शौक से काम करने का क्योंकि जो कोई एम एल ए पिंड का सरपंच बनता किसी मुद्दे से हों बड़ी
अपना पंजाब दे विच भी बहुत वड्डे जिहड़े साडे सी लोग जिहड़े सन इन्हां पीड़ित होए। अगर अग्निहोत्री जी भी आज एमएलए है तो आप लोगों की वजह से ये ताकत आपको समझनी पड़ेगी। और मैं एक बात कहूंगा और उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। अग्निहोत्री जी बहुत पहले से राजनीति में है और लोग भी यहाँ बहुत पहले से कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। क्या आपने कभी मेरे जैसा लड़का पंजाब का इंचार्ज देखा है क्या? यहाँ तो इंचार्ज कौन बढ़ते थे या कौन रहे हैं? प्रणब मुखर्जी, मोतीलाल वोरा जी, मोसीना किदवाई जी, हरीश रावत जी, मतलब कोई कैबिनेट मंत्री, कोई तीन तीन मंत्रालयों का मंत्री, कोई मुख्यमंत्री, मुझे आज पंजाब जैसे सूबे का इंचार्ज बनाना, आप ये बात को समझो और चन्नी जैसे एक दलित परिवार के आदमी को मुख्यमंत्री बनाना। कांग्रेस बदलाव की तरफ चल पड़ी है, अब कांग्रेस में मेरे जैसे युवाओं और आप जैसे वर्करों का राज आएगा, अब महलों का राज नहीं चलेगा। ये बात गांठ बांध लेना और आने वाला समय आप लोगों का है। आपने इतना मान सम्मान दिया, इस ऐतिहासिक धरती पर आने का मुझे मौका मिला। मैं पहले सिर्फ सोचा ही करता था कि कभी जा पाऊंगा, परंतु मुझे मौका मिला, वाहेगुरु ने यहाँ इस धरती पर आने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय कांग्रेस। हाँ जी सर, आज पंजाब में लगातार लगातार आपका आना जाना शुरू है और आज काफ़ी हल्कों में आप जा चुके हैं, तो क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की 2022 इलेक्शन को देखते हुए? देखिए, 2000 जैसा आप सब जानते हैं कि 2022 के अंदर पंजाब में विधानसभा का चुनाव, नई विधानसभा चुनी जानी है, नए एमएलए आने हैं और उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारी में लगी है। अपने वर्करों, अपने एमएलएज और सभी साथियों को एकजुट कर एक रणनीति बनाकर चुनाव में किस तरीके से चुनाव लड़ना है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, क्या देखने को मिला है, जैसे कि 2022 की इलेक्शन है, क्या नए एमएलए आएंगे कि जहाँ से वही चेहरे देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक चुनाव एमएलए कैंडिडेट चुनने की प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया के अंदर जो भी आएगा, और हमारी प्राथमिकता है कि हम इस बार जिताऊ कैंडिडेट को देंगे, जो जिताऊ होगा उसको टिकट मिलेगा। सर, केजरीवाल भी काफ़ी विचर है, पंजाब में आ रहा है और कह रहा है कि मैं 1000 रुपया लेडीज़ को दूंगा और 24 घंटे बिजली होगी, 600 यूनिट माफ़ होगा, कैसे देखते हैं आप इनको? लगातार आए दिन घंटे पर धरती दे रहे पंजाब वासियों को। देखिए, मैं केजरीवाल जी को अभी मंच से भी कह रहा था और आपके माध्यम से भी कह रहा था, वो जिस दिन भी आए उनसे सिर्फ एक बात पूछिए कि झूठ के पुलंदे कहना बंद करें। किस तरीके से इस जो आपने कहा कि 1000 रुपये हर महिला को दूंगा, क्या उन्होंने कोई बजट में प्रोविज़न देखा है? क्या उन्होंने कहा कि मैं बिजली फ्री कर दूंगा? किस तरीके से आप उनसे सवाल कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ लोगों को झूठा आश्वासन देना, जिस तरीके से बाद में बीजेपी वालों ने कह दिया कि 15 लाख एक झूला था, इसी तरह ये भी सत्ता पाने के बाद इसी तरीके की बात करते हैं। सर, हर एक हल्के में पंजाब में लगातार दो दो धड़े कांग्रेस के नज़र आ रहे हैं, कई जिलों में भी, और हर एक पार्टी में, ये कांग्रेस में नहीं, आम आदमी पार्टी में भी बात करें और श्रोमणी अकाली दल की भी बात करें, तो आप क्या सब देखते हो कि क्या टिकटों के लिए चावन कितने हैं? देखिए, आपके सवाल नहीं जवाब। आपने बड़े कहा कि हर पार्टी के अंदर ये दिक्कत, हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी, लोकतांत्रिक पार्टी में हर आदमी को टिकट मारने का अधिकार है। वो आज क्योंकि माहौल ऐसा बना हुआ है इसके आपको धड़े दिखे, परंतु जिस दिन पार्टी ने टिकट और कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए, आपको कोई धड़ा नहीं दिखेगा। सारे कांग्रेस के वर्कर और कार्यकर्ता और अहदेदार सब कैंडिडेट के साथ होंगे और हम उसको जिताने में दिलो जान से सारे कार्यकर्ता लगे। सर, अकाली और भाजपा की अकाली पार्टी गठजोड़ का वो भी आ रहे हैं, भाजपा का कहना है कि 117 सीटों के ऊपर पंजाब
पहली लिस्ट हम बहुत जल्द आपके दिसंबर से मतलब जनवरी से पहले एक लिस्ट हम दे देंगे, बाकी और जल्दी हम क्योंकि हमारी स्क्रीनिंग कमेटी फॉर्म होगी और उसकी बैठक जल्दी होगी और हम ये बहुत जल्द प्रक्रिया खत्म होगी। सर चेतन चौहान जी जो सारे पंजाब इंचार्ज है और नाल जिले कोऑर्डिनेटर ने तरन तरन हल्के ने इन्होंने रिपोर्ट्स देनियाँ ने लोगों की भावना ने की और सारी छोटी मीटिंग बनाई से इन्होंने वास्ते अभी दोबारा कांग्रेस किस तरह का माहौल लगता दो हज़ार बाईस के सरकार कांग्रेस पार्टी तो हम बना ठीक है जी आपने।